काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। अब अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट हो रहा है, अगर ये प्लस प्लेट है और इधर माइनस प्लेट है, इनके बीच अगर मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेलरेट होगा जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आएगा। ये तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी, वो 100 वोल्ट दिया हुआ है। अब 100 वोल्ट ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैं लिखूंगा 1/2 mv². और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ई, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1/2 mv², ये वाली चीज़ यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो डायरेक्ट ई वी के इक्वल है यार। तो ई 1.6 × 10⁻¹⁹ और पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल में आएगा। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, मतलब सी ऑप्शन सही है। डायरेक्ट फार्मूला याद है तो